लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने लगे हैं। शहीदों के गांव में गम और गुस्से का माहौल है और इस झड़प में बिहार के मेहटा के जवान हवलदार सुनील कुमार भी शहीद हो गए। शहीद सुनील कुमार के गांव तारापुर में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। इनमें एक तमिलनाडु के रामनाथमपुरम के रहने वाले पलानी भी थे, उनका पार्थिव शरीर भी उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं इनमें से एक तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू भी थे जो बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल संतोष बाबू के घर के बाहर तेलंगाना से इस वक्त सूर्यापेट इलाका है, वहां से आशीष पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। आशीष, यकीनन आखिरी बातें हमेशा माता पिता को परिवार वालों को याद आती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दुख है। परिवार को गर्व तो है लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी है कि बदलाव लिया जाए चीन से। जाहिर तौर पर नवजोत, 16 तारीख को आखिरी बार कर्नल संतोष बाबू की अपने पिताजी से बात हुई थी और अब इस घर में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। माता हैं, इकलौते पुत्र बेटे थे इस परिवार के और जाहिर तौर पे गम का माहौल है लेकिन साथ ही साथ गर्व से भरे हुए हैं माता और पिता दोनों। जब हमने उनसे बात की थी दोनों ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि कर्नल संतोष बाबू ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर की है। अभी यहाँ पर ये बिहार रेजिमेंट के, जिस रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उनके यहाँ पर जवान हैं। आर्थिक जो आखिरी जो कार्यक्रम है, जो श्रद्धांजलि है, उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। आला अधिकारी बिहार रेजिमेंट के हैं, जवान यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं। करीब 8 बजे कर्नल संतोष बाबू के पार्थिव शरीर को इस स्टेज पे लाया जाएगा और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। उसके बाद करीब करीब 9 बजे एक अंतिम यात्रा शुरू होगी और 10 बजे के आसपास में यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर 6 एकड़ की एक इनकी पुश्तैनी जमीन है, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं लोग आ रहे हैं। खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग, चूंकि COVID-19 का दौर चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। थर्मल स्कैनर्स यहाँ रखे गए हैं, सैनिटाइजर्स यहाँ रखे गए हैं और हर एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी को कोई तकलीफ भी ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसको पालन किया जाए और साथ ही साथ जो देश का सपूत है जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनको पूरी श्रद्धांजलि, उचित श्रद्धांजलि दी जा सके। इकलौते बेटे थे, 37 साल की उम्र थी, अपने पीछे अपनी पत्नी, एक 9 साल की बेटी और 4 साल के बेटे को छोड़कर कर्नल संतोष बाबू अब हमारे बीच में नहीं है।